नमस्ते आप सब श्रोताओं को। आज आपका 182वें दिन का ईश्वरीय वरदान। इस वरदान में जाने से पहले हमेशा की तरह इस लिंक पर जाएं जहां पे आप योग आसन, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइट और सोने की कला सब कुछ पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम नष्ट मोह बन जाएं। घर में रहती हुई माताएं, घर में रहते हुए पिता अपने ही घर परिवार से नष्ट मोह होकर के कैसे दोनों सफलताएं पाएं, आध्यात्म में भी और अपने घर में भी। तो इसे ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा सही विधि बताते हैं हमें नष्ट मोह होने की। तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं हद की जिम्मेवारी मतलब लिमिटेड जिम्मेवारी, और बेहद की जिम्मेवारी मतलब पूरा संसार मेरा परिवार है। तो वो सोचना और ये दो तीन मेरे परिवार के मेंबर्स, वही मेरे परिवार है, उनके बारे में चिंता करना। और परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी ड्यूटी दे रहा हूँ, पूरे संसार ही तुम्हारे परिवार को तुम्हें परिवर्तन करना है, अपने आप को परिवर्तन करके। तो कौन सी बड़ी जिम्मेवारी है? तो छोटी जिम्मेवारी ऑटोमेटिकली परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी संभाल लेता हूँ जब तुम बड़ी जिम्मेवारी लेते हो। तो परमात्मा कहते हैं हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, उनको भी एक पूरे परिवार में परिवर्तन करने वाले, मेरे मेरे नहीं, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, ऐसे नहीं, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ ही सब कुछ, उनकी तरफ ही चारों तरफ से हमारी बुद्धि घूमती रहे, इससे और हम गलतियां करते हैं। परमात्मा आज हमें समझाते हैं कैसे। तो हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट महाभवा। स्मृति मतलब कि परमात्मा की स्मृति में रहने वाले, उनकी याद में रहने वाले, क्योंकि हमारे ऊपर पापों का बोझ तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है कई जन्मों का, उसको निकालना है, हटाना है, तब जाकर के हम बंधनों से मुक्त होंगे। हम कहते हैं अरे इतने बंधन हैं क्या करूं, इतनी कमजोरियां हैं हमारे परिवार में, कमजोरियों को कैसे ठीक करूं, बच्चे को कैसे ठीक करूं, बेटी को कैसे ठीक करूं, हस्बैंड को कैसे ठीक करूं, वाइफ को कैसे ठीक करूं, हर कोई एक दूसरे को ठीक करने में लगा हुआ है, वही है बंधन है हमारे कर्मों के। परमात्मा कहते हैं उनको आप छोड़ो मुझ पर, तो तब जा करके स्मृति रहेगी, तब जाके परमात्मा याद आएगा। नहीं तो सारे दिन अगर चिंता में रहे, टेंशन में रहे चीजों की और व्यक्तियों की और संबंधियों की, तो परमात्मा भी भूल जाएगा और उलझन में फंसते जाएंगे परमात्मा भूलने से। नष्ट मोहा भवा, तो विस्तार में चले, नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। बनने के लिए अपने स्मृति स्वरूप, किसकी स्मृति में रहते हैं, किसकी याद में रहते हैं पूरे दिन, हम किस चीज की चिंता में रहते हैं, किस चीज की परेशानियों में रहते हैं, परमात्मा कहते हैं उसको परिवर्तन करो। परमात्मा की स्मृति में आकर के फिर कर्मों को करो, तो जाकर के नष्ट मोहा होंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, और को देख करके इरिटेशन नहीं आएगी, और को देख करके हमें व्यर्थ संकल्प और बुरे संकल्प नहीं आएंगे, औरों की गलतियां नहीं दिखेंगी, औरों के अंदर खामियां नहीं दिखेंगी जो कि और अड़चने बढ़ा देती है और बंधन बढ़ा देती है हमारे परिवार में। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि इन चीजों से मुक्त होना चाहते हो तो मुझको देखो, बेहद के बाप को देखो, अनलिमिटेड फादर को। आगे कहते हैं परमात्मा मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, कि मैं तो गृहस्थी हूं, शादी हो चुकी है, घर परिवार है, बच्चे हैं, मैं कैसे इस आध्यात्म की लाइन में, मैं कैसे मेडिटेशन करूं, मेरे पास समय कैसे मिलेगा, मैं कैसे परमात्मा की सेवा करूं, मैं कैसे सेंटर पहुंचूं, इतना घर का काम है, इतना सब कुछ करना है। परमात्मा कहते हैं जब आप लोग गृहस्थी समझते हो तब होता है। जब हम सारा लोड अपने ऊपर ले लेते हैं तो बाकी सारी जो आत्मा होती है घर की, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, वो सुस्त हो जाती है, वो आलस्य में आ जाती है। लेकिन जब हम वो बंधन छोड़ते हैं, जब हम अपने कार्य में बिजी होते हैं, परमात्मा के कार्य में बिजी होते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेंटर जाते हैं करने के लिए, तब जाकर के वो बंधन छूटते हैं और सारी आत्मा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करती है। तो बोल करके किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना अलग बात है, और स्वयं अपनी जिंदगी की जो परमात्मा ने हमें बताई हुई है दिशा, उस पर चल करके और लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर के वो रिस्पॉन्सिबल बने अलग बात है। तो ये हम मोह को छोड़े तब जाकर के हो पाएगा। फिर बाबा कहते हैं मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है। जब मेरा मेरा आता है, हमारा हमारा आता है, तभी वहां पर बंधन आते हैं, तब हम मुक्ति नहीं पाते। फिर कहते हैं ये प्रभु मुक्ति दो, इन दुखों से मुक्ति दो, इन संबंधों से मुक्ति दो। फिर क्या होता है, हमारा अटेंशन परमात्मा के गुणों की जगह और संबंधियों के, साथियों के, हस्बैंड वाइफ के, या वाइफ का हस्बैंड पर, या बच्चों के ऊपर अवगुण दिखने शुरू हो जाते हैं, उनकी कमी कमजोरियां दिखनी शुरू होती हैं, खामियां दिखनी शुरू होती हैं, तो परमात्मा भूल जाता है और वो ज्यादा याद आते हैं। जितनी हम औरों की कमी कमजोरियां देखते हैं, जितना कंप्लेन करते हैं, जितना और को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उतनी हमारी आत्मा की शक्ति घटती जाती है,
पवित्रता घटती जाती है और हम और थकते जाते हैं, हमें थकावट महसूस होती है। हम जितना औरों को चेंज करते हैं, जितना घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और थकावट। परमात्मा इसलिए कहते हैं ये उल्टी विपरीत बुद्धि मत चलो, ये उल्टी सोच मत चलो, तुम परमात्मा की तरफ चलो, तुम सूर्य को देखो, परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, मतलब तुम्हारे सारे काम तुम्हारे पीछे पीछे होते रहेंगे। लेकिन अगर परछाई की तरफ मुंह मोड़ लोगे और परमात्मा को भूल जाओगे, परमात्मा सूर्य पीछे और आगे परछाई की, मतलब मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा घर, वो परछाई के पीछे भागोगे तो परछाई बहुत लंबी होती जाएगी, कभी आप छू नहीं पाओगे, कभी पकड़ नहीं पाओगे उस परछाई को। इसलिए परमात्मा कहते हैं सूर्य की तरफ देखो, परमात्मा की तरफ देखो, परछाई पीछे पीछे आएगी, सोचना कभी भी आप। तो परमात्मा कहते हैं अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो, कि ये भी परमात्मा का परिवार है, परमात्मा के बच्चे हैं, मेरा सारा दुनिया ही परिवार है, मुझे सारी दुनिया की सेवा करनी है, सिर्फ एक की नहीं। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे हमने परछाई की बात करी, तो आप अगर बेहद की तरफ जाएंगे, परमात्मा की तरफ जाएंगे, तो आपका मन भी शांत रहेगा, आप खुश रहोगे, आप समाज सेवा कर रहे हो, आप किसी तरीके से मेडिटेशन करके सेवा कर रहे हो, किसी को आप परमात्मा से जोड़ रहे हो, उसको उसके घर में सुख शांति ला रहे हो, किसी और के परिवार को आप ठीक कर रहे हो, तो आपका परिवार कैसे हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप खुशी खुशी आया करोगे, आपके अंदर औरों के अवगुण देखने की आदत नहीं रहेगी, आप औरों के अंदर की बुराइयां नहीं देखोगे, क्योंकि आप औरों को मदद करके आ रहे हो। किसी घर की माता को आप मेडिटेशन सिखा रहे हो, किसी घर की माता को आप परमात्मा से जोड़ रहे हो, अध्यात्म से जोड़ रहे हो, तो उसकी दुआएं जो होती हैं, वो दुआएं जब लगती हैं, वो आपके घर के ऊपर आती हैं। लेकिन अगर आप घर के ऊपर ही सारा अटेंशन देते हो और बाकी दुनिया को छोड़ देते हो कि मेरा ये परिवार है, बाकी जाए भाड़ में, बहुत लोग सोचते हैं ऐसे, परमात्मा कहते हैं ऐसे सोचने से आपका घर ही पूरा परेशानी से भर जाता है, क्योंकि आपका सारा फोकस गलतियों पर, कमजोरियों पर, खामियों पर चला जाता है, घर में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। परमात्मा कहते हैं इससे आप थक जाते हो, आप दुआएं नहीं कमा रहे होते हो, लेकिन आप किसी और की सेवा करो, आप अपने आप को ठीक करो, परमात्मा की तरफ चलो। आप परमात्मा की तरफ चलने से भी हमारे अंदर जो गुण आते हैं उसको देखकर भी कोई परिवर्तन हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको किसी को ज्ञान ही सुनाना है या आपको किसी को मेडिटेशन सिखाना है, लेकिन आप परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, उस कारण से आपके अंदर जो मधुरता, सहनशीलता, शालीनता आ जाती है, उसके कारण कोई अगर आपको देख करके परमात्मा से जुड़ जाता है या मेडिटेशन सीखने के प्रति उसका इंटरेस्ट आ जाता है, वो भी एक सेवा है। तो परमात्मा कहते हैं वो दुआएं आपको लग जाती हैं, जिस कारण आपका घर परिवार दुआओं से भर जाता है, गुलिस्तान बन जाता है। सोचिएगा इसके बारे में। फिर बाबा कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी, लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल, परमात्मा के प्रति ना लग करके, सेवा ना कर करके, परमात्मा कहते हैं को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो, तो उसे और ही बिगाड़ते हो, और ही बिगाड़ते। कैसे? मेरे को घर मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे को हर चीज में परफेक्शन चाहिए, मेरे को ये व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी ऐसे नहीं करना चाहिए, हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए, वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, हस्बैंड बोल रहा है। तो अगर हम इन चीजों में उलझ जाते हैं तो और ही बिगाड़ते जाते हैं, वातावरण बिगड़ जाता है घर का, क्योंकि हम हर चीज में नैग करना शुरू करते हैं, हर चीज में हम अड़चन डालना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम किस में जा रहा है, फोकस सब कुछ देखने में जा रहा है, घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और हम गलतियां ज्यादा देख रहे होते हैं, परेशानियां ज्यादा देख रहे होते हैं, ना कि हम उनको छोड़ दें, हर एक को अपना अपना जिम्मेवारी लेने के लिए छोड़ दें और अपना हम परमात्मा की तरफ लग जाए, तो ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जितना ज्यादा किसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो इंसान और इरिटेटेड हो जाता है और वो गलती करना शुरू करता है, आपने ध्यान दिया होगा। इसलिए उनको छोड़ो, परमात्मा को पकड़ो, तो वो हल्के हो जाएंगे, अपने आप से सीखेंगे, गलती ठीक करेंगे, अपने आप से हर कार्य करते चलेंगे। लेकिन अगर आप पीछे पड़े रहेंगे, आपके साथ इरिटेटेड, आपका संबंध बिगड़ेगा उनके साथ में, और वो छुपाएंगे गलतियां और परिवार की हालत खराब होती जाती है। सोचिएगा इसके बारे में। फिर परमात्मा कहते हैं बिगाड़ते हो क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। वो जो फर्ज आप निभाना चाहते हो वो क्या होता है? मोह में हो जाता है। हाय वो गलती ना कर दे, हाय उससे ये ना हो जाए, हाय मेरे बिना वो कैसे कर पाएगा, ये मोह हो जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ बोझ अपने ऊपर लिया है, परमात्मा पे बोझ छोड़ा नहीं है, क्योंकि आप परफेक्ट हो ना, ये प्रॉब्लम है। परमात्मा कहते हैं परफेक्ट तो मैं हूं, कलयुग में कोई परफेक्ट नहीं है, तो हर किसी को छोड़ दो, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, पर औरों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। परमात्मा कहते हैं मोह का मर्ज हो जाता है, इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोहा बनो। परमात्मा से मोह रखो, बाकी सब कुछ परमात्मा संभालेंगे। कैसे संभालेंगे? क्योंकि आप जब हल्के हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी के पीछे नहीं पड़े रहोगे, दिन भर
घर में हर किसी के पीछे पड़े रहते हैं, वो ठीक नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रही, वो वैसे नहीं कर रहा, आप और उलझाते जाते हो अपनी परेशानी को। परमात्मा के प्रति लग जाओ, बाकी हर चीज़ स्मूथली चलती जाएगी। बाबा की एक गारंटी है, परमात्मा की गारंटी है, एक्सपीरियंस तो करो। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, शांत रहें और इसके बारे में गहराई से सोचें और अपना जीवन परिवर्तन करें। ओम शांति।